पीड़ित महिला को महिला पुलिस की धमकी, बोली कि मीडिया के पास गई तो बुरी हालत करूंगी। योगी सरकार जहां एक ओर सुरक्षा की बात करती है, वहीं योगी सरकार में पुलिस से पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय धमकी दे रही है कि अगर पत्रकारों के पास गए तो मार मार कर बुरी हालत कर देंगे। आपको बता दें कि महिला अल्पावास केंद्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पूरा मामला महेवागंज चौकी क्षेत्र के एक पीड़िता का है, जहाँ अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसे ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित किया गया और पीड़ित महिला के परिजनों ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया। उक्त पीड़िता महिला को नगर के बीच उल्ल नदी में फेंकने का प्रयास किया गया, क्योंकि अश्लील वीडियो बनाने वाला अफसर नाम का व्यक्ति काफ़ी शातिर है और पुलिस में पैठ रखता है। यहाँ तक कि महिला के परिजनों को भी अपने इशारों पर नचा रहा है। चारों तरफ से निराशा हाथ लगने पर महिला मीडिया के पास गई, तब जाकर प्राथमिकी दर्ज हुई। तड़पती हुई महिला 27/5/2024 को पुलिस अधीक्षक के खीरी से मिलने गई, तब उसकी दयनीय स्थिति देखकर महिला को अल्पावास भेज दिया गया, जहां पर मेडिकल और बयान हुए। लेकिन केंद्र में ही प्रीति ठाकुर व कमलेश महिला सिपाही द्वारा बहुत मारा गया और कमलेश ने गालियां देते हुए धमकी दी कि अगर मीडिया के पास गई तो लखनऊ नारी निकेतन भेज देंगे, और पीड़ित महिला का मोबाइल छीनकर लड़की के भाई को दे दिया गया, कहा कि इसे खूब मारना, और पीड़िता के भाई को अपना नंबर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि महिला सिपाही किसके इशारों पर नाच रही है। योगी सरकार जहां महिलाओं के प्रति हमेशा सुरक्षा की बात करती है, वहीं लखीमपुर पुलिस पर इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ता। क्या नाम है? मेरा नाम साहिबा है। क्या हुआ आपके साथ? हमारे संग हुआ है, मेहवागंज दलालनपुरा में रहती हूँ जी। मेरे संग घटना हुई है कि मतलब कि चचा पिता में शादी थी, अफसर आया, मेरा प्रेम पसंद चलने लगा वहाँ से, अफसर से, तो फिर मेरे संग गलत काम करा वो, उसने वीडियो बनाया गलत, तो हमने कहा इसको डिलीट कर दीजिए, तो वगैरह अभी हम फेसबुक पर डाल दे अगर जो डिलीट करे बेर बेर बुलियो, तो उसने मतलब कि शादी वहाँ मेरी बन्नी से तय हो रही थी, उसने वहाँ से तुड़वा के चचिया ससुर पे आरोप लगवा के गंदा वहाँ से तुड़वा दिया शादी, ठीक है, अपने साले से कराया। मेरा पति संबंध में ना अपना बनाता था, गलत काम करता, जब मैं वीडियो कहती डिलीट कर दो तो नहीं डिलीट करता था, अभी फेसबुक पर डाल दुआ वही वीडियो के चक्कर में गलत काम बहुत चक्कर करा, और ठीक है भाई उसी के डरमा, ठीक है हमारा पति हमारी नंद सब कोई जानते हैं, तो हमें बच्चे चाहिए, एक बार बच्चा गिरा दिया फिर दोबारा मांग करी, तो उसने मेहवागंज में ला के हमें 28 तारीख को लाया, तो मतलब कि समझाए से और गलत काम मेरे संग करा 28 तारीख को, फिर मतलब कि रंगे हाथों पकड़े मम्मी पापा सबको, तो हमको मारा पीटा, और 29 तारीख को अफसर भाग गया बाहर, हम घटना ये अब 1 बजे रात में हम मम्मी पापा से मुँह चुप कराने के लिए पैसे की लालच में मुँह चुप कराने के लिए मेहवागंज पुल है, वो पुल है लखीमपुर ही, उस पर भाई और बाप मेरे बेंगे दे रहे हैं, वहाँ से जान छुड़ा के बस्ती वाले बचाया, वहाँ से जान छुड़ा के भागी। आपकी FIR दर्ज हुई? मेरी FIR एक में कम से कम 23 दिन दौड़े हैं, तब नौ चक्कर SP ऑफिस के लगाए, तभी भी नहीं FIR दर्ज हुई। एप्लीकेशन जब अपनी ओर से कम कराया तब कह रहे थे कम कराओ, ऐसे में नहीं धाराएं कम कराई तब जाके दर्ज हुई। हाँ तब जाके मेरी FIR दर्ज हो गई। आप आरोप लगा रहे हैं वोमेन वन स्टॉप सेंटर पे, क्या मामला इसका बताइए? वन स्टॉप पर मतलब कि हमें SP ऑफिस गए 27 तारीख, कितनी तारीख ये तो मुझे ध्यान नहीं है, क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ मुझे भेज दिया गया बिना, मैं जानती भी नहीं थी कहाँ मेरे को भेजा जा रहा है, हम समझें कि रूम पर भेजा रहा है, वन स्टॉप भेज दिन, वहाँ से फिर दोबारा आने भी ना दिए। हमने फ़ोन की मांग करा प्रीति ठाकुर से ने, तो प्रीति ठाकुर में बेल्टन मारा, वो कह रही थी कि अभी तुम्हें मार देंगे भी जान से अगर जो मांगोगी अभी फ़ोन, ठीक है हमें मारा। ये प्रीति ठाकुर कौन है? वन स्टॉप की वो ड्यूटी करती है, महिला सिपाही है क्या? सिपाही ये तो हमें पता नहीं, सिपाही ड्यूटी करती है वहाँ पे, ड्यूटी करती दिन है में, नाइट में? रात की घटना है ये? हाँ रात की थी। अच्छा फिर सब हर बच्चन की यहाँ मारती थी ये हम लोग। अच्छा ये बार क्या वो कमलेश से जो दिन में यहाँ 11 दिन रुक गई आई, 11 दिन रुक गई, जो दिन मुझे छुड़ाने मेरा भाई गया उस पर दबाव पड़ के छुड़ाने मेरे को गया,
तो वही बोली कि फोन ये मांग करे, कमलेश बोली तो फोन मांग करे तो इसे मारना पीटना और चले जाना चौकी। तो हमें मारा पीटा और चला गया चौकी। कमलेश ने धमकी दी, हमारे एक थप्पड़ मारे कमलेश, ये सिपाही कोतवाली की मारिन पीटे। कमलेश भी महिला सिपाही है क्या? हाँ महिला सिपाही है, कोतवाली सदर में। कोतवाली सदर की है। मारिन पीटन के बाद यहाँ हमको मारते मारते मैं 11 दिन के बाद आ गई अपने घर। भाई आया, हमको मारा पीटा, फिर शाम को फिर मैं बेहोश पड़ी रही। भाई पहले चला गया चौकी, ठीक है। बाद के मैं धीरे धीरे गए चौकी, चौकी वाले सुनी नहीं, ठीक है। बाद यहाँ मतलब कि लोग क्या लेके गए, तब मतलब कि मेरी सुनी। अच्छा, आपको जो महिला सिपाहियों ने मारा है इसकी शिकायत कहाँ की आपने? इनकी शिकायत महिला सिपाही एसपी ऑफिस की है। हाँ, वहाँ क्या बताया है? वहाँ बताया कि तुम तो सबके पे आरोप लगा रही हो, तुम तो सबके पे, तू बेकार लड़की है, ये बात महिला पुलिस वो कप्तान ऑफिस में कही गई। हाँ, वो एसपी ऑफिस में मैडम बोली रहे, मैडम बोली कि जाओ, जब वो पकड़ा जाएगा तब होगी कार्रवाई, ऐसे नहीं होगी। बम्बई में भाग गया, बम्बई में भागे, मुझे भगा दिया एसपी ऑफिस ने। अच्छा, आप यहाँ आई हैं किस लिए आई हैं? यहाँ आई हूँ, मुझे दीदी एक है उनसे मदद मांगने के लिए आई हैं, बुलाया गया था यहाँ, हमने जान पाया। ये जो पीड़ित महिला आई, लड़की आई है आपके सामने, क्या कुछ मामला है इनका? इनका मामला प्रेम प्रसंग का रहा है, लेकिन प्रेम प्रसंग में दबाव बना करके इनके साथ गलत काम किया गया जी। और उसके बाद इनको टॉर्चर भी किया जा रहा था और इनका मतलब बच्चा भी डैमेज कराया गया। आपका परिचय जरा बता दीजिए। मैं मानव अधिकार की महिला की अध्यक्ष भी हूँ और कांग्रेस पार्टी की मैं जिला सचिव भी हूँ जी, जी। कोमल सिंह नाम है। तो इनको पता चला कि किसी ने मेरे पास इनको भेजा कि जाओ वहाँ पहुँचो, वो तुम्हारे लिए मदद करेंगी। तो यहाँ ये आई हुई हैं, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं बड़े अधिकारियों से बात करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ एक महिला होने के नाते तुम्हारी मदद करती हूँ, क्योंकि जो महिला अगर महिला की मदद नहीं करेगा फिर कौन मदद करेगा। आप जब पीड़ित महिला के साथ वन स्टॉप सेंटर गई और अपनी बात रखी, तो क्या वहाँ पर बातें हुई आप आमने सामने? मैं वहाँ लड़की पीड़ित लड़की को लेकर के गई और हमने उनका पक्ष जानना चाहा कि ये घटना हुई है तो सत्य है या ये लड़की गलत तो नहीं बोल रही है जी। तो वहाँ पहुँच करके हमने जब उन लोगों से बात किया और इस लड़की को सामने किया, तो ये लड़की बराबर उनके सामने कहती रही कि नहीं, आपने मुझे मारा है और अस्पताल में आपने मारा है, एक चाटा मारा है और आपने कहा कि मैं क्यों तुम्हारी डॉक्टरी कराऊं या क्यों जो है तुमको मैं पानी पिलाऊं। मैं इस लड़की ने कहा मेरे पानी प्यास लगी थी, मैंने इनसे कहा था, तो इन्होंने चाटा मारा और कहा कि मैं तुमको क्यों पानी पिलाऊं, क्यों तुम्हारा मैं डॉक्टरी कराऊं। ये बराबर लड़की कहती रही। तो वहाँ जो इंचार्ज हैं उनका क्या कहना है? उनका तो यही कहना है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन अब उनके सामने ये लड़की जब कह रही है, ये पीड़िता कह रही है, तो मैं क्या मानूं कि जो है ये गलत है। अगर ऐसी बात होती तो इसको भी दबना चाहिए कि मैं किसी के सामने मैं ऐसा कह रही हूं। तो इस पीड़िता ने बराबर ये बात कहती रही कि नहीं, हमको चांटा मारा गया और प्रीति ठाकुर ने हमको यहाँ जो है पिटाई किया था और मोबाइल देते समय कह दिया था कि जा करके तुम अपने भैया से कह दिया, हमको मोबाइल नहीं दिया और बात नहीं करवाई थी, तो उसके लिए उसने जा करके हमें घर में मारा। तो उनके कहने से इस संबंध में अब आपके संगठन मानवाधिकार के द्वारा क्या निर्णय लिया गया कार्रवाई करने के लिए? कार्रवाई के लिए मैंने कहा है कि कल मैं एडिशनल साहब से, मैं वहाँ भी कह करके आई हूँ कि कल मैं एडिशनल साहब से बात करूँगी और जल्द से जल्द पीड़ित को जो है वो गिरफ्तार, उसको जो आरोपी है उसको तुरंत गिरफ्तारी कराई जाए, क्योंकि इसको खतरा है इस लड़की को। अगर जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता है तो इस लड़की को भी खतरा है, इसलिए उसको तत्काल जो है प्रभाव से उसको जो है करवाया जाए। और ये वुमेन वन स्टॉप सेंटर की जांच के बारे में? हाँ, वन स्टॉप के सेंटर के बारे में तो हमने अपने सामने देखा है, इस लड़की ने जो कहा है वो सत्य है, क्योंकि ये लड़की वहाँ जरा भी दबी नहीं है। तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए कि आगे लड़कियों के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे।